नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बिना पद के, बिना किसी भेदभाव से लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं संजय सिंह जी, जो वार्ड नंबर 27 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं। और आइए इनसे हम बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वार्ड में जनता के बीच जाएंगे, किन परेशानियों को दूर करने की बात करेंगे। तो संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आप वार्ड नंबर 27 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हो, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? मुद्दे तो काफ़ी हैं जनता के लिए, जो जनता आके कहती है, जो पुराने पार्षद साहब के आके बताते हैं कि जी हमें ये वार्ड में ये समस्याएं आ रही हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें, पेंशन है, राशन कार्ड हैं, वोटों का है कि भाई वोट कटवा दिए हैं, ये करा दिया, वो करा दिया, कई काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो संजय जी, हम बात करें, अगर जनता आपको आशीर्वाद के रूप में जिताने का काम करती है, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपके वार्ड के लिए? जनता मुझ पे भरोसा करती है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करती है, तो सबसे पहले जो मेरा एम रहेगा, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था जो मैंने आपको, शिक्षा, जैसे अभी हमारे वार्ड में सारे ही एक ऊंचे लेवल पे पैसे वाले बच्चे परिवार नहीं है, गरीब बच्चे भी हैं जिनको पूरी व्यवस्था शिक्षा नहीं मिल पाती। तो जैसे हमारे वार्ड में हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको अच्छी सुविधा मिले, अच्छा वहाँ पे साधन हो, जाके जो बच्चों का एडमिशन ना हो रहे उन बच्चों को एडमिशन लिया जाए और अच्छी शिक्षा दी जाए, जिनसे उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, आगे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। कराओगे जीतने के बाद? देखो, ये तो हमारे देश में सबसे पहला है कि प्रथम महिला, उनके लिए सुरक्षा के लिए हर कदम हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और जो शायद हमें हर युवा को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को उसका साथ देना चाहिए। रही सुरक्षा के, सुरक्षा के लिए हमारी महिलाएं जब सेफ हैं, जब हम उनको इज्जत दें, आप इज्जत दोगे, हमारी महिलाएं अपने आप सुरक्षा रहेंगी, अच्छी परिवार से रहेंगी, ना उनको कोई दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज़्यादा कि कहीं भी, जैसे मान लो कि कहीं पे लाइट ही नहीं, अंधेरा है वहाँ कर, हमारी रात को बहन बेटी जा रही है, तो वो डरेगी वहाँ से, लेकिन वहाँ पे जब हम लाइटें लगवाएंगे, रास्ता अच्छा होगा, कहीं गड्ढे नहीं होंगे जिससे उनको रुकावट ना आए, जो 10 मिनट का टाइम है वो अपने 5 मिनट में अपने घर पहुँचेंगे, तो वो चीज़ें बहुत सकारात्मक होके सुविधा तो देंगे। जैसे बात करें सीसीटीवी कैमरे की, हम बात करें तो सीसीटीवी कैमरे भी वार्ड में आप महिला की सुरक्षा के लिए प्रबंध कराओगे? देखो, अब तक जो मेरे माइंड में जो चल रहा है, अभी तक हमारी वार्ड में 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, किसी भी चौक पे नहीं, किसी रोड पे नहीं, कहीं पे नहीं, किसी चौपाल पे नहीं। और सबसे पहले जो एम रहेगा यही रहेगा कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से, सरकार से, अगर मुझे आशीर्वाद मिला बुज़ुर्गों का, सबसे पहले हाथ जोड़ के यही निवेदन होगा कि मुझे अपनी वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, जिससे मेरी बहन बेटी, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। अगर कोई खानी बंदी या कोई बात होती है, तो उसको हम आराम से फुटेज देख के ये पता लगा सके कौन इंसान किसके साथ गलत कर रहा है। संजय जी, जैसे हम बात करें, वर्तमान जो पार्षद हैं आपके वार्ड नंबर 27 से, वो भी एक महिला हैं, उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हो आप? हाँ जी, जो फिलहाल हमारी मौजूदा पार्षद हैं वो एक महिला हैं, लेकिन उन्होंने जब से वो पार्षद हुई हैं, लगभग 5 साल, 5.5 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है कि एक महिला दूसरी महिला की परेशानी को समझे, कि जो उन्होंने ऐसा काम करा हो महिलाओं के लिए कि भाई हाँ हम सुरक्षित हैं, हमारे लिए, हमें अच्छा काम मिला, एक महिला हमारे साथ खड़ी है, तो हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रही है। जब तक उनको ये सुविधा ना मिलेंगी, जो आप कह रहे हैं कि कैमरा होता है, सीसीटीवी होते हैं, वो नहीं है, सड़कें अभी हमारे गड्ढे हुए पड़े हैं, स्कूटियां गिर जाती हैं, बच्चियां देख नहीं पाती, कई बार तो स्कूटी गिर जाती है और चोटें लग जाती हैं, तो ये चीज़ें अभी तक मैंने इसको 5 साल में तो अभी तक मैंने कहीं कुछ को देखा नहीं है, और आगे चाहूँगा शायद
भगवान का आशीर्वाद बना रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, तो ये चीज़ें करने की कोशिश करूँगा कि उन्हें इसमें कोई समस्या ना आए। संजय सिंह जी, जैसे हम बात करें, जो आपके वर्तमान चेयरमैन हैं इंदु भारद्वाज जी, उनके कार्यकाल किस नज़रिए से देखते हो आप? देखिए, जो आज के हमारे नगर निगम के चेयरमैन हैं श्रीमती इंदु भारद्वाज जी, उनका काम अगर मैं देखता हूँ शहर में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं सारे वार्डों में, सारे जहाँ भी जाते हैं रोडों पे, नालियों पे, लाइटों पे, बहुत अच्छा कार्यकाल में उनके काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो संजय जी, अपने वार्ड वासियों को, क्षेत्रवासियों, पलवल वासियों को, देशवासियों को कोई मैसेज, संदेश, कोई अपील करना चाहोगे? मैं अपने देशवासियों, शहरवासियों और अपनी वार्ड में जो भी जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, जो मेरे युवा वर्ग हैं और मेरी माताएं बहनें हैं, उनसे बस एक ही अनुरोध करता हूँ कि देखो, जो आपको समस्याएं आ रही हैं इस टाइम, वो आप जो पूरी नहीं हो सकी, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। हो सके, मैं चाहता हूँ कि वो सारी समस्याएं आपकी मैं पूरा करूँ और इस लायक बनूँ कि आपका वो सारे काम में अधूरा काम है पूरा करूँ। तो खासकर हम बात करें वार्ड नंबर 27 के लोगों को, आप कुछ अपील करना चाहोगे या कोई मैसेज देना चाहोगे? बस वार्ड नंबर 27 में मेरे सभी बुजुर्ग हैं, सभी मेरे नौजवान भाई हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बस उनसे एक अनुरोध है कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी हैं, वो आके मेरे सामने रखें, उनको मैं पूरी कोशिश से हल करने की कोशिश करूंगा और उनका समाधान करूंगा। जैसे कि आपने देखा और सुना, संजय सिंह जी ने काफ़ी बातें कही हैं, इन्होंने कहा अगर जनता इनको आशीर्वाद के रूप में जिताने का काम करेगी, सबसे पहले कार्य ये तीन चीज़ों पर करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कि आज तक कभी भी इनके वार्ड में सीसीटीवी के कैमरे नहीं लगे, अगर इनको आशीर्वाद देती है जनता, तो सबसे पहले वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, जिससे वार्ड की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।